लाहौर के लंदर देखे पहले तो मैं लाहौर के लंदर का बताऊं जो मेन क्रिकेट का इम्पुक्ट इम्पुक्ट है ना इम्पेक्ट जो उन्होंने दिया है क्रिकेट में जो पीडीपी का ये प्रोग्राम करते हैं पूरा साल लेके क्रिकेट को चलाते हैं और जो प्लेयर अभी भी आप देखें छः से सात प्लेयर जो अभी बीस लड़कों में हैं उसमें से पी पी के छः प्लेयर्स हैं छः से सात तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है और वो बहुत क्रिकेट में काम करते हैं दूसरा ये कि आ, कराची और लाहौर का जब भी मैच होता है मुझे तो लग रहा है इंडिया के साथ खेलने <laughs> क्योंकि उनका शुरू से पहले सीजन वन से ही शुरू कि लाहौर कराची का बट ये अच्छी बात है कि जो मैच होता है वो अच्छा होता है आखिरी बॉल तक जाता है और दोनों टीमें फाइट भी करती है और क्राउड भी काफ़ी इंजॉय करता है नहीं देखें अगर मैं प्रेशर लूँगा तो मेरी टीम तो फिर गिर जाएगी अफकोर्स इसमें तो आ, आपको प्रेशर ही हैंडल करना पड़ता है और प्रेशर होता है ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होता बट अगर आपको एक एज ए लीडर टीम को लेके जाना है तो आपको फिर जो आपके बेंच वाले हैं उसके बारे में भी सोचना है तो आपको लीडर जो होता है तो आपको फ्रंट से सोचना पड़ता है कि नहीं टीम को इकट्ठा रखना है इस टाइम पर देखिए जाहिर सी बात है पी एस एल एक ऐसा स्टेज है कि आपको आ, आपको सारे लोग देखते हैं और ये हर द, दुनिया में हर जगह देखा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की लीग है और आ, उस लीग में एक ऐसा बॉलर आ जाए कि वो एकदम ऐसे आउट कर ले जब मेरा पहला सीज़न था और मैंने पांच आउट किए थे वो भी चार रन दिए थे जो अच्छी इकॉनमी थी उस टाइम तो आफकोर्स आपको सारे लोग देखते हैं और मेरे ख़्याल से मुझे पी ने काफ़ी चीज़ें दी है और उसमें भी जब लाहौर कलंदर ने मुझे पिक किया तो तीन मैचों में तो मुझसे तो कुछ नहीं हुआ था पर उसके बाद जब मेरी परफार्मेंसेज हुई तो उसमें पी का काफ़ी ज़्यादा है कि, क्योंकि उसके बाद मैं इंटरनेशनल भी खेला हूँ एक हाइप थी एक आपको एक चीज़ चाहिए होती है जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एंटर होते हैं तो आफकोर्स वो पीएसएल के थ्रू ही मिले देखिए आप जिससे भी पूछिए वर्ल्ड में कोई भी अच्छा बैट्समैन हो और वो पी एस एल खेला वो हमेशा बात करेगा कि पी एस एल की बॉलिंग अच्छी है उसका मेन ये है कि जितने भी फास्ट बॉलर हैं ना वो एक दूसरे को ये चाहते हैं कि मैं इससे अच्छी बॉलिंग करूं जो विच इज़ गुड थिंग कि आप सोचें कि मैंने इसको बीट करना है या मेरे अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कौन सा गोल अचीव कर रहा हूँ तो आई थिंक ये हमारी क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छे आ रहे हैं और तेज़ आ रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे हेल्प कर रहा है देखिए एक तो अगर मैं एक प्लेयर हूँ ना तो मैं सिर्फ परफॉर्मेंस का सोचूंगा और सोचूंगा कि कप्तान मुझे क्या प्लान देता है अगर आप कैप्टन होते हैं तो आपको फिर जो आपके ग्यारह प्लेयर हैं और जो आपके चार बाहर बैठते हैं तो उनके बारे में भी सोचना है तो आई थिंक कैप्टन का मेरे ख्याल में ये है कि आपने पूरी टीम को लेके जाना पड़ता है और हर एक के साथ वैसे ही आपने आ, उनके साथ बात करनी है जैसे आपका टॉप प्लेयर हो और आपके जूनियर और टॉप उन दोनों को आपने सेम लेके जाना है जो मेरे ख्याल से अगर आप दोनों के साथ अच्छे होंगे ना तो फिर आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी करेगी मेरा बस यही था कि प्यार आ, एक तो अपनी परफॉर्मेंस को पहले टॉप पे लेके आनी है अगर मैं परफॉर्मेंस करूँगा तो ऑफकोर्स मेरे टीम वाले भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे देखिए पहले मैं जो अगर मैं जल्होर के अंदर प्लेयर बात करूँ जो पहले मैं खेला था तो उस टाइम तो ये था कि बड़े नाम बहुत थे जो आप कहते हैं कि यार ये नाम आ जाए ये नाम उन प्लेयरों ने मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस नहीं की थी उतनी जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ये इनका हमेशा ये था कि हमने प्लेयर प्रोड्यूस करने और अपने प्लेयर लेके आने जो उनको अभी ये रिवॉर्ड मिल रहा है हारिस है दिलबर है दानियाल है जितने भी प्लेयर इनसे खेले मैं ही उनके खेला हूँ जो हम पाँच छः सालों से प्लेयर खेले वो हम अभी उस टीम में प्लेइंग गिलाउंड में खेलते हैं जो आपकी टीम का स्ट्रेंथ है अभी और वो पांच लड़के अभी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं तो वो उनका गोल था तो अलहमदल फिर फाइनल के लिए फाइनल हारे फिर हमने फ़ाइनल जीता है तो ये रिवॉर्ड उनको मिल रहा है नहीं आई थिंक वो प्लेयर बात नहीं है कि अगर मैं आया हूँ कप्तान तो मैंने कुछ डिफरेंट किया है जो प्लेयर्स थे जैसे मैंने बोला कि पांच छह प्लेयर्स जो थे ना वो मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे इस टीम के साथ फिर अगर आप बात करें वीजे की राशिद के आने से टीम बड़ी स्ट्रांग हो गई एक माहौल फैमिली टाइप बन गया हम यही बात लाहौर कलंदर में करते हैं कि ये टीम नहीं है ये लाहौर कलंदर एक फैमिली है अगर आप फैमिली में बाई की जैसे आप ख्याल रखते हैं तो ये टीम भी एक दूसरे का ना आप इसमें बाई हो एक दूसरे का ख्याल रखो एक दूसरे के लिए खेलो कोई इंडिविजुअल ना खेले अपने लिए जब भी बात की ये और टीम में जब ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो ना हंसी खेलते हुए ना तो फिर आई थिंक वो टीम परफॉर्म करती है और जो आई थिंक डिज़र्व करते थे लड़के मेहनत कर रहे थे और एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे ख्याल मींस अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आपके पास थ्रो डाउन के लिए अगर टाइम है तो आप दूसरे को कराए आप फील्डिंग कराए आप किसी को जाके थका हुआ पानी दो आई थिंक वो टीम बॉन्डिंग अच्छी थी हमारी टीम की जो हम फाइनल जीते अरे फा फैंस को यही है कि आ, उनकी वजह से ही हम पिछला फाइनल जीते और हम लाहौर में जब भी खेले तो दूसरी टीम भी बड़ी खुश हुई थी कि आपका लाहौर आपके खिलाफ मैच खेलते क्राउड आता है तो आई थिंक एक तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमारा होम ग्राउंड था और फैंस फुल आ, क्राउड था और हम उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहे हैं इस साल भी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आए अपनी टीम को सपोर्ट करें और ये अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे हम तो और अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे और हमें इंशाल्लाह और फ्यूचर में इससे अच्छे प्लेयर आके हमें टूर्नामेंट जिताएंगे इंशाल्लाह